तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल और आज का राशिफल पे। ये राशिफल मैं चंद्र राशि यानी मून साइन के तहत बताता हूँ। तो सबसे पहले पंचांग पे दृष्टि डालेंगे। 8 मई 2022 सूर्यवार यानी रविवार का दिन है आज। शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि शाम 17 बजे तक रहेगी, उसके बाद शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि शुरू हो जाएगी। चंद्रदेव आज पुष्य नक्षत्र में विचरण कर रहे हैं। पुष्य नक्षत्र में चंद्रदेव रहेंगे दोपहर 14:58 तक, उसके बाद आश्लेषा नक्षत्र में चले जाएंगे। पुष्य शनि देव का और आश्लेषा बुध देव का नक्षत्र होता है और आश्लेषा नक्षत्र जैसे ही शुरू होगा 14:58 से 3 बजे मान के चल लीजिए तो गंडमूल नक्षत्र शुरू हो जाएगा। यानी आज शाम 14:58 के बाद जिन बालकों का जन्म होगा वो गंडमूल नक्षत्र में जन्मे बालक कहलाएंगे और चंद्रदेव रहेंगे आज कर्क राशि। शक संवत 1944 विक्रम संवत 2079 चल रहा है। अभिजीत मुहूर्त 11:05 से 11:58 तक, अमृत काल सुबह 7:51 से दिन के 9:38 तक। रवि पुष्य योग बन रहा है सुबह 4:57 से 14:58 तक। रवि पुष्य योग ऐसे बनता है कि रविवार के दिन अगर पुष्य नक्षत्र आ जाए तो उसे रवि पुष्य योग कहते हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग भी सवेरे 4:57 से दोपहर के 14:58 तक बन रहा है। गुलिक काल 14:48 से शाम 16:27 तक। यमगण काल दिन के 11:31 से दोपहर 13:10 तक। राहु काल शाम 16:27 से संध्या के 18:05 तक रहेगा। भद्रा शाम 17 बजे से अगले दिन की सुबह 4:57 तक रहेगी। दिशाशूल पश्चिम, राहु कालवास उत्तर की तरफ है, भद्रावास मृत्यु लोक में है। चौघड़िया देख लेते हैं आज का। तो लाभ चौघड़िया सुबह 8:14 से दिन के 9:53 तक। अमृत चौघड़िया 9:53 से 11:31 तक। शुभ चौघड़िया दोपहर 13:10 से 14:48 तक। सूर्यास्त के बाद शुभ चौघड़िया 18:05 से 19:27 तक। अमृत चौघड़िया 19:27 से 20:48 तक। तो शुभ चौघड़िया, लाभ चौघड़िया, अमृत चौघड़िया, अभिजीत मुहूर्त, अमृत काल, ये सभी शुभ समय कहलाते हैं। किसी भी प्रकार का शुभ काम आप इस वक्त पे कर सकते हैं। राहु काल और यमगण काल दोनों शुभ काल नहीं कहलाते। किसी भी प्रकार का शुभ काम आपको इस वक्त पे नहीं करना चाहिए, जैसे कि दुकान का उद्घाटन करना, कोई नया काम शुरू करना, रुपए पैसे से संबंधित महत्वपूर्ण लेन देन करना, यहाँ तक कि टेलीफोन कॉल तक करने से मना करता हूं मैं। कोई नया योगा योग राहु काल में स्थापित करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अपने दिल की बात कहना चाहते हैं यानी प्रेम निवेदन करना चाहते हैं तो भी राहु काल में ना करें, क्योंकि राहु काल में शुरू किए हुए काम असंपूर्ण रह जाते हैं, बाधाग्रस्त हो जाते हैं। तो आगे बढ़ने के पहले एक छोटी सी कहानी सुनाते हुए आगे बढ़ते हैं। एक बार समर्थ स्वामी रामदास जी शहर में भिक्षा मांगते हुए एक घर के सामने खड़े हुए और उन्होंने आवाज लगाई, जय जय रघुवीर समर्थ। घर से महिला बाहर आई, उसने उनकी झोली में भिक्षा डाली और कहा, महात्मा जी कोई उपदेश दीजिए। स्वामी जी बोले, आज नहीं कल दूंगा। दूसरे दिन स्वामी जी ने पुनः उस घर के सामने आवाज दी, जय जय रघुवीर समर्थ। उस घर की स्त्री ने उस दिन खीर बनाई थी जिसमें बादाम पिस्ते भी डाले थे। वह खीर का कटोरा लेकर बाहर निकली और स्वामी जी ने अपना कमंडल आगे कर दिया। वह स्त्री जब खीर डालने लगी तो उसने देखा कि कमंडल में गोबर और कूड़ा भरा पड़ा है। उस स्त्री के हाथ ठिठक गए, वह बोली, महाराज यह कमंडल तो गंदा है। स्वामी जी बोले, हाँ गंदा तो है किंतु इसमें खीर डाल दो तुम। स्त्री बोली, नहीं महाराज तब तो खीर खराब हो जाएगी, दीजिए यह कमंडल मुझे, मैं इसको शुद्ध करके लाती। स्वामी जी बोले, मतलब यह कमंडल साफ हो जाएगा तभी खीर डालोगी ना। तो स्त्री ने कहा, जी महाराज। स्वामी जी बोले, मेरा भी यही उपदेश है, मन में जब तक चिंताओं का कूड़ा कचरा और बुरे संस्कारों का गोबर भरा पड़ा है तब तक उपदेश का कोई लाभ नहीं होगा। यदि उपदेश अमृत का पान करना है तो सर्वप्रथम अपने मन को शुद्ध कर लेना चाहिए, कुसंस्कारों का त्याग करना चाहिए, तभी सच्चे सुख और आनंद की प्राप्ति होती है।
तो निश्चित तौर पे आज की इस छोटी सी कहानी से भी कुछ ज्ञान प्राप्त आपको हुआ होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं राशिफल की तरफ। आगे बढ़ने के पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप कुंडली दिखवाना चाहते हैं, कुंडली मिलान करना चाहते हैं जिसमें विवाह मिलापक की बात आती है, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। ज्योतिष सीखना चाहते हैं, वैदिक एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं या कृष्ण मूर्ति पद्धति सीखना चाहते हैं तो भी आप इसी व्हाट्सएप नंबर पे इंक्वायरी कर सकते हैं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी का कोर्स अलग सिखाया जाता है, केपी एस्ट्रोलॉजी अलग सिखाई जाती है। बाकी की जानकारी आपको आप मैसेज करेंगे तो आपको दे दी जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मेष से लेकर मीन राशि तक के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है। तो इस कड़ी में हमेशा की तरह हम बात करेंगे सबसे पहले मेष राशि के जातकों के बारे में। तो मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन प्रॉपर्टी के कामों से लाभ, एग्रीकल्चर के कामों से लाभ यानी कृषि कार्यों से लाभ होने के योग बन रहे हैं। किसी भी प्रकार की मशीनरी से रिलेटेड काम अगर आप करते हैं, लोहे की मशीन या कृषि कार्यों में उपयोग होने वाली मशीनों का आपका काम है तो आपके लिए आज लाभकारी दिन रहने वाला है। लोन की प्राप्ति हो सकती है, सेविंग्स में वृद्धि का योग बन रहा है, लेकिन शत्रु वृद्धि होने का योग भी बन रहा है, विशेष करके दिन के द्वितीयार्ध में शत्रु वृद्धि हो सकती है। तर्क वितर्क से थोड़ा दूर रहने की कोशिश करें, तर्क वितर्क से अगर दूर रहने में कामयाब रहेंगे, दिमाग को अपने शांत रख पाएंगे तो आज का दिन आपके लिए काफी लाभकारी होने वाला है। बुध का मंत्र जाप करें, ओम ब्रांग ब्रिंग ब्रांग शह बुधाय नमः 11 या 21 बार। आज का लकी नंबर है आपके लिए 4। वृष राशि के मित्रों के लिए आज का दिन सेल्स एंड मार्केटिंग के काम में लाभ, लंबी दूरी की यात्रा, पद प्राप्ति, सम्मान वृद्धि और कर्म स्थान पे प्रमोशन का योग बन रहा है। प्रेम संबंधों में सफलता तथा शेयर मार्केट से लाभ के योग आपको बने हुए हैं। संतान के साथ अच्छा संबंध बना रहेगा और अपने वाक चातुर्य से आप बिगड़े हुए कामों को भी संवारने में कामयाब रहेंगे। शनि देव का मंत्र जाप करें, ओम शं शनिश्चराय नमः 11 या 21 बार। आज का लकी नंबर है आपके लिए 7-9। मिथुन राशि के मित्रों के लिए आज का दिन धन के नुकसान का दिन है, आपकी सेविंग्स टूट सकती है, बाल बाल भाग्य से आपका कुछ बचाव हो जाएगा रुपए पैसे के मामले में, अदरवाइज आज का दिन आपके लिए काफी लॉस वाला दिन है, आपकी सेविंग टूट सकती है, अननेसेसरी खर्च हो सकता है, अत्यधिक खर्च करने से बचें, शेयर मार्केट से दूर रहें, धार्मिक क्रियाकलाप में कुछ खर्च होने के योग बन रहे हैं, रिसर्च ओरिएंटेड कामों में आपको सफलता मिल सकती है, उच्च शिक्षा में अग्रगति के योग बने हुए हैं। शनि देव का मंत्र जाप करें, ओम शं शनिश्चराय नमः 11 या 21 बार। आज का लकी नंबर है आपके लिए 9। कर्क राशि के मित्रों के लिए आज का दिन प्रथमार्ध आपके लिए विशेष करके अच्छा नहीं है, अपमानजनक स्थितियों का सामना आपको करना पड़ सकता है, पारिवारिक कलह से परेशान हो सकते हैं। दिन का द्वितीयार्ध आपके लिए लाभकारी, दाम्पत्य जीवन में प्रेम की वृद्धि, सम्मान वृद्धि, अच्छा खान पान, लेखन कार्य में सफलता, पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए आज काफी लाभकारी दिन रहने वाला है। कुरियर सर्विस का काम अगर आप करते हैं या कम्युनिकेशन से रिलेटेड किसी भी प्रकार के काम से अगर आप जुड़े हुए हैं तो आज आपके लिए लाभकारी दिन है, स्वास्थ्य लाभ का योग भी बना हुआ है। शनि देव का मंत्र जाप करें, ओम शं शनिश्चराय नमः 11 या 21 बार। आज का लकी नंबर है आपके लिए 1। सिंह राशि के मित्रों के लिए आज का दिन मानसिक तनाव, खर्च की अधिकता, विदेश व्यापार में लाभ, दिन का द्वितीयार्ध अत्यधिक कर्म व्यस्तता का योग बना हुआ है, सरकारी कामों से आपको लाभ के योग बन रहे हैं, पिता के साथ अच्छा संबंध बना रहेगा, खर्च की अधिकता से बचें, मानसिक तनाव से बचें, दिन का द्वितीयार्ध धन लाभ के योग भी बना रहा है, आप गवर्नमेंट ओरिएंटेड किसी सेक्टर से जुड़े हुए हैं तो वहां से आज आपको धन लाभ के योग भी बन रहे हैं, नए नए योगा योग आज होंगे जो भविष्य में आपके काम आने वाले हैं। शनि देव का मंत्र जाप करें, ओम शं शनिश्चराय नमः 11 या 21 बार।
आज का लकी नंबर है आपके लिए 19। कन्या राशि के मित्रों के लिए आज का दिन इच्छा पूर्ति, नौकरी तलाश रहे हैं तो नौकरी की प्राप्ति होने का योग बन रहा है। आपका स्वास्थ्य थोड़ा बिगड़ सकता है, दाम्पत्य जीवन में थोड़ी दरार आ सकती है, प्रेम संबंधों में झंझट के योग बने हुए हैं। हालांकि संतान संबंधी खुशखबरी मिलने के योग बन रहे हैं, लेकिन संतान के जन्म होते ही संतान के स्वास्थ्य को लेकर चिंता सता सकती है। धर्म कर्म पूजा पाठ ज्योतिष के क्षेत्र से जो मित्र जुड़े हुए हैं उनके लिए आज लाभकारी दिन रहने वाला है। धन प्राप्ति होगी, उच्च शिक्षा में सफलता और लंबी दूरी की यात्रा के योग बने हुए। कर्म स्थान पर सामयिक विरति भी झेलनी पड़ सकती है। शनिदेव का मंत्र जाप करें, ओम शं शनिश्चराय नमः 11 या 21 बार। आज का लकी नंबर है आपके लिए 49। तुला राशि के मित्रों के लिए आज का दिन कार्य सिद्धि, कर्म स्थान पर सफलता, प्रेम संबंधों में सफलता, शिक्षा में अग्रगति, संतान के साथ अच्छे संबंध। दिन का द्वितीयार्ध, कर्म स्थान पर अपमानजनक स्थितियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। सरकार के साथ किसी भी प्रकार के टकराव में आप न जाए, भाग्यहीनता अनुभव कर सकते हैं आप। बुध का मंत्र जाप करें, ओम ब्रांग ब्रिंग ब्रांग शय बुधाय नमः 11 या 21 बार। आज का लकी नंबर है आपके लिए 25। वृश्चिक राशि के मित्रों के लिए आज का दिन थोड़ा चिंताजनक दिन है। माता के साथ मनमुटाव हो सकता है, परिवार के अंदर से कोई आपके साथ शत्रुता कर सकता है। एग्रीकल्चर के कामों में अग्रगति के योग बने हुए हैं, लेकिन झंझट भी आपको झेलना पड़ेगा। आपका बिजनेस पार्टनर आपके साथ धोखा कर सकता है, आपके जीवन साथी के साथ मनमुटाव हो सकता है। हालांकि व्यवसाय में आपको धन लाभ के योग बने हुए हैं, दाम्पत्य जीवन में प्रेम की वृद्धि के योग बने हुए हैं। शनि देव का मंत्र जाप करें, ओम शं शनिश्चराय नमः 11 या 21 बार। आज का लकी नंबर है आपके लिए 14। धनु राशि के मित्रों के लिए आज का दिन आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। वाहन आपने बहुत सावधानी से चलाना है, पुराना कोई रोग उभर कर सामने आ सकता है, पुरानी कोई शत्रुता आपके सामने आ सकती है, दाम्पत्य जीवन में शॉर्ट टर्म सेपरेशन भी झेलना पड़ सकता है। कर्म स्थान पे काफी कठिनाइयों का सामना आज आपको करना पड़ेगा। बुध का मंत्र जाप करें, ओम ब्रांग ब्रिंग ब्रांग शय बुधाय नमः 11 या 21 बार। आज का लकी नंबर है आपके लिए 45। मकर राशि के मित्रों के लिए आज का दिन व्यवसाय में अग्रगति, सेविंग्स में वृद्धि, धन लाभ, लेकिन आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर कुछ समस्या हो सकती है, रिश्ते नातेदारों की सहायता मिलेगी। दिन का द्वितीयार्ध, दाम्पत्य जीवन में प्रेम की वृद्धि, संतान संबंधी खुशखबरी, प्रेम संबंधों में सफलता और साझेदारी के व्यवसाय से लाभ के योग बन रहे हैं, शिक्षा में अग्रगति होगी और स्वास्थ्य लाभ का योग बना हुआ है। आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य भी ठीक होगा, यानी उनको भी स्वास्थ्य लाभ के योग बन रहे हैं। उच्च शिक्षा में सफलता, प्रतियोगिता मूलक परीक्षाओं में सफलता के योग बन रहे हैं। शनि देव का मंत्र जाप करें, ओम शं शनिश्चराय नमः 11 या 21 बार। आज का लकी नंबर है आपके लिए 49। कुंभ राशि के मित्रों के लिए आज का दिन धन की प्राप्ति, शत्रु परास्त होंगे आज आपके, लेकिन दाम्पत्य जीवन में शॉर्ट टर्म सेपरेशन जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। आपका स्वास्थ्य थोड़ा आपको परेशानी दे सकता है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को लेकर तनाव झेलना पड़ सकता है, पुरानी समस्याएं उभर कर सामने आ सकती है, प्रेम संबंधों में ब्रेकअप के योग बन रहे हैं। बुध का मंत्र जाप करें, ओम ब्रांग ब्रिंग ब्रांग शय बुधाय नमः 11 या 21 बार। आज का लकी नंबर है आपके लिए 49। मीन राशि के मित्रों के लिए आज का दिन बाधा वाला, खर्च की अधिकता, मानसिक तनाव के योग बन रहे हैं। छोटी यात्रा और वासस्थान में परिवर्तन का योग, नई साझेदारी पनप सकती है, यानी किसी नई साझेदारी में आप कोई नया व्यवसाय शुरू करने की सोच सकते हैं। छोटे भाई बहनों के साथ अच्छा संबंध बना रहेगा। माता के साथ थोड़ा मनमुटाव का योग आज बन रहा है। शनि देव का मंत्र जाप करें,
ओम शं शनिश्चराय नमः। 11 या 21 बार आज का लकी नंबर है आपके लिए 5-9। तो ये था आज का राशिफल। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़े रहने के लिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।